तब इस्लाम हो सकता है, लेकिन जन्म से हम सनातनी भारतीय। पीडीए पे नहीं बोलेगा, ये कहाँ का जीरो टॉलरेंस है आपका? ये जीरो टॉलरेंस आपका जीरो हो गया है। उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये अन्याय होगा? पता नहीं, महाभारत क्यों, एक बार पढ़िए महाभारत। पूर्वांचल एक्सप्रेस वे, बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे, 6 एक्सप्रेस वे संचालित है, गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस वे, बलिया एक्सप्रेस वे एवं गंगा एक्सप्रेस वे। अध्यक्ष मोदी, मैंने कई बार कहा, क्या कारण है कि भारत सरकार उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे नहीं दे रही है? और ये बात मैं पहली बार नहीं कहने जा रहा हूं सरकार के सामने, मेरे जितने भाषण हैं उठा करके दे लीजिए, मैंने हर बार कहा कि देश में अगर बन रहा है एक्सप्रेस वे तो भारत सरकार यूपी में क्यों नहीं बना रही? अगर एक भी भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेस वे बन रहा हो तो अध्यक्ष महोदय सरकार बताए हमें कि कौन सा एक्सप्रेस वे है जो भारत सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश में बन रहा है। और ये बात मैं आपसे इसलिए कहता हूं कि अगर आपके बजट का पैसा वहां जाएगा और अगर वो पैसा बच जाए तो हमारे किसानों का भला हो सकता है। उस पैसे को आप मंडी बनाने में लगा दें और किसानों को सुविधा देने के लिए लगा दें। और आपका तो गोरखपुर लिंक एक्सप्रेस बन जाना था 2022 तक। हम लोगों का अध्यक्ष महोदय लगता है और इंतजार करना पड़ेगा, ये तो 24 आ गया है। और यहां तो माननीय सदस्य जितने बैठे हैं, ये नोएडा ग्रेटर नोएडा से आगरा वाले पे भी चले होंगे, यमुना क्रॉस करने के बाद जो एडीए आगरा डेवलपमेंट अथॉरिटी का बना है वो लिंक में भी चले होंगे, और उसके बाद आगरा लखनऊ पे भी चले होंगे, और उसके बाद पूर्वांचल पे भी हमारे कई माननीय सदस्य चले होंगे। ये चेहरे से कहें ना कहें लेकिन इनके मन में इनको पता है कि सबसे अच्छा एक्सप्रेस वे कौन सा बना है। ना कहो आप लेकिन जानते हो आप। और मैं अध्यक्ष महोदय दावा कर सकता हूं कि दुनिया के जो बेहतरीन एक्सप्रेस वे हैं उसके बराबर कोई एक्सप्रेस वे बना है तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे बना है जो समाजवादियों ने बनाया। ये बात मैं बार बार बोलता हूं। सदियों की प्रतीक्षा अयोध्या में दूर हुई। आज अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, 14 से 15 फ्लाइट अयोध्या से देश के अंदर अलग अलग स्थानों पर जा रही है। ये अयोध्या में प्रारंभ हुआ है। जो अयोध्या को पहले छूना नहीं चाहते थे, आज अयोध्या इंटरनेशनल एयरपोर्ट देने वाला देश का एक प्रमुख राज्य और देश के 4 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ उत्तर प्रदेश अपने 9 एयरपोर्ट को क्रियाशील कर चुका है और 10 और को हम क्रियाशील करने जा रहे हैं बहुत शीघ्र। अयोध्या में माता सबरी के नाम पर रसोई घर भी प्रारंभ हो गया है। क्या माता सबरी के अनुयायी पीडीए के हिस्से हैं या नहीं है? रेन बसेरा भी अयोध्या में बन गया है और ये निषाद राज के नाम पर बन गया है। क्या निषाद राज के अनुयायी पीडीए के पार्ट हैं या नहीं है? प्राचीन कुंडों का पुनरोद्धार हो रहा है, भरत कुंड, राम की मर्यादा, परिवार की मर्यादा, क्या परिवार की मर्यादा है? यहां तो पीडीए, हमारे डिप्टी सीएम ने कहा पीडीए का मतलब है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। ब्रजेश जी ने अभी अपने उसमें कहा उनके पीडीए में और लोग हैं लेकिन चच्चू नहीं है, वो बेचारे हमेशा ठगे जाते हैं ऐसे। कब तक ये अन्याय होगा? पता नहीं, महाभारत क्यों, एक बार पढ़िए महाभारत। हाँ एकदम, आखिर परिवार के 3 सदस्यों के नाम थे, चच्चू के नाम क्यों नहीं था? अरे उनका भी नाम देते, वरिष्ठ नेता थे, बेचारा रगड़ते रगड़ते अपने को जो है पीडीएम में है ही नहीं।
इसीलिए कह रहे हैं ना कि उन्होंने चाचू को ही भुला गए, परिवार के यानी इस प्रकार से उन्होंने विस्मित कर दिया कि साइडलाइन में थे ही नहीं, कैमरे के फोकस में नहीं थे, अब रेड कारपेट पे नहीं चल पाए। इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि चाचू को ही भूल गए और बेचारे चाचू देखते रह जा रहे हैं कि ठगे गए एक बार फिर। अब ये तो अगर प्रभु राम को ये लोग मानते तो चाचू के साथ अन्याय नहीं करते, रामायण से सीखते, रामायण में सीखते या फिर कम से कम महाभारत से ही सीख जाइए। आज महोदय नेता प्रतिपक्ष इस बात को कह रहे थे कि एक्सप्रेसवे में लखनऊ कानपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे ये एलिवेटेड जो एक्सप्रेसवे है ये भारत सरकार के सहयोग से बन रही है। इसके अलावा बलिया लिंक एक्सप्रेसवे ये भारत सरकार के सहयोग से प्राप्त बन रही है। प्रदेश के अंदर जो विभिन्न जनपदों में हम लोगों ने इस कार्य को आगे बढ़ाने का काम किया है, लगभग फोर लेन की 1235 ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिसको पिछले 7 वर्ष के अंदर आगे बढ़ाया गया है और जो ये बेहतरीन कनेक्टिविटी प्रदेश के अंदर यहाँ पर प्रदेश के अंदर संपन्न हुई है। प्रदेश के अंदर एयरपोर्ट 16 डोमेस्टिक और 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट के साथ बहुत शीघ्र उत्तर प्रदेश 21 एयरपोर्ट वाला देश का पहला राज्य बनने जा रहा है। 17 के पहले 2 एयरपोर्ट मामूली यानी चलते थे, लखनऊ और वाराणसी के, ये फुल्ली क्रियाशील थे, शेष आंशिक थे, कभी कभी एक फ्लाइट आ जाती थी, लेकिन आज 9 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10 एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील हो चुके हैं, 10-11 की स्वीकृति मिल चुकी है, किसी भी दिन हम उनको प्रारंभ करने जा रहे हैं। जीरो टॉलरेंस लॉ एंड ऑर्डर पर, फिर महिलाओं के ऊपर सबसे ज्यादा अपराध क्यों, सबसे ज्यादा घटनाएं उनके ऊपर क्यों, देश में सबसे ऊपर उत्तर प्रदेश क्यों? योगी आप कहते हैं कि महिलाओं बहन बेटियों के साथ उनके राज में छेड़खानी रेप नहीं होता, दुष्कर्मी अगले चौराहे पर मार गिराए जाते हैं, बीएचयू में एक बहन के साथ क्या हुआ कोई आज के समय पे कल्पना नहीं कर सकता, एक बेटी और बहन के साथ क्या हुआ, जो लोग पकड़े गए हैं वो तीनों के तीनों भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के मेंबर हैं, वो और अध्यक्ष महोदय कोई आसानी से मुखर्जी जी के साथ फोटो नहीं खिंचवा सकता, तीनों की फोटो हमारे नेता सदन के साथ, प्रशासन सरकार को पता था लेकिन क्या किया सरकार ने। और मुझे याद है जब कानपुर में एक मां बेटी के ऊपर बुलडोजर चलाया गया था और आग लग करके मां बेटी जिंदा जल गए थे, पिता और उसका भाई देखता था बचा नहीं पाया, जब वो न्याय मांगने गया तो उसके कपड़े उतार दिए गए, वहां के अधिकारियों ने कपड़े उतरवाए, ये जीरो टॉलरेंस है सरकार का। और उस समय डिप्टी सीएम क्या कहते हैं, उन्होंने जो ऑनलाइन बात की उससे, शिवम ये घटना बहुत ही दुखी करने वाली है, बहुत ही ज्यादा दुख है, हमें पूरी तरह से तुम्हारे साथ हैं, जब से हमने सुना है कार्रवाई कर रहे हैं, जो आरोपी हैं उन पर एफआईआर दर्ज हो गई 302 की है, हम कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को नहीं बख्शेंगे, तुम हमारे परिवार के सदस्य हो, हम तुम्हारे साथ हैं, पूरी सरकार तुम्हारे साथ है, जो तुम्हारी मांगे हैं उन पर गंभीरतापूर्वक काम करेंगे। अध्यक्ष महोदय जो मांगे उस परिवार ने मांग की थी क्या सरकार ने पूरी कर दी, क्या
आरोपियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई होगी क्या? उत्तर प्रदेश के सुशासन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में प्रदेश की कानून व्यवस्था ने बड़ी भूमिका का निर्वहन किया है। इसके लिए प्रदेश को, शासन को पूरे प्रदेश के अंदर सुरक्षा का एक बेहतर वातावरण बनाना पड़ा। जीरो टॉलरेंस की नीति अपनानी पड़ी। हमारी जीरो टॉलरेंस की नीति से बहुत सारे लोगों को थोड़ा बुरा लगता है, क्योंकि जिन लोगों की आदतें खराब थी तो उन लोगों को कानून के रास्ते पर लाने में थोड़ा कठिनाई तो हुई होगी, तो उनकी चिड़चिड़ाहट कभी देखने को मिलती है। लेकिन इसके लिए हमने पुलिस में भी रिफॉर्म किए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाया, उनकी ट्रेनिंग को अपग्रेड किया। 7 पुलिस कमिश्नरेट लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में इस व्यवस्था को लागू किया। 75 जनपदों में साइबर सेल के थाने स्थापित करने की कार्रवाई को अंतिम रूप दिया। साइबर क्राइम मुख्यालय लखनऊ पर एडवांस साइबर फॉरेंसिक लैब, 18 क्षेत्रीय थानों में बेसिक साइबर फॉरेंसिक लैब और 75 जनपदों में साइबर क्राइम थानों की स्थापना की कार्रवाई को भी हम लोगों ने प्रारंभ किया। और उत्तर प्रदेश फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट की स्थापना भी लखनऊ में की है, जिसमें सत्र भी प्रारंभ हो चुका है, उनका फर्स्ट सेशन इसी वर्ष प्रारंभ हुआ है। 155,600 से अधिक पुलिस कार्मिकों की भर्ती संपन्न की है, जिनमें से 22,670 केवल महिला कार्मिक है। 68,600 से अधिक पदों पर भर्ती की प्रक्रिया वर्तमान में प्रचलित है। और इस दौरान हम लोगों ने पुलिस प्रशिक्षण के केंद्रों की क्षमता को भी लगभग 3 गुना किया है। प्रदेश में 124 नए थाने, 88 नई चौकियां, 7 नए पुलिस महिला पुलिस थाने, 4 नए आर्थिक अपराध इकाई थाने और 16 नए साइबर क्राइम थाने भी स्थापित किए हैं। SDRF का गठन किया, उसकी 3 कंपनियों को क्रियाशील किया, 3 अतिरिक्त कंपनियों को सृजन की प्रक्रिया के साथ जोड़ा गया है। वीरांगना झलकारी बाई महिला PAC बटालियन गोरखपुर,